हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम क्रिएट करते हैं आइकन्स को और कैसे उन आइकन्स को हम डिजाइन कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हैं गूगल आइकन्स। ओके, तो ये जितने भी आइकन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्रोवाइड करवाए हैं गूगल ने। ओके, इन आइकन्स का यूज आप अपने वेब पेजेस, वेबसाइट और साथ ही साथ एंड्रॉयड एप्स में भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप iOS एप्स में भी यूज कर सकते हैं इनका। ओके, तो ये सारे आइकन्स कैसे यूज करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और कैसे CSS में डिजाइन कर सकते हैं इन आइकन्स को वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा फंट ऑसम आइकन्स का यूज भी आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं बेसिक सिंबल्स एंड आइकन्स आपको बताऊंगा HTML के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले HTML क्लियर कर लेते हैं कि HTML के जो सिंबल्स हैं उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। ओके, ये इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं ये सारे के सारे सिंबल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दिल कैसे बनाना है हमें HTML के अंदर। तो बहुत सिंपल है दिल बनाना। हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे p टैग लिखेंगे। ओके, p टैग के अंदर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे इस कोड को। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि हमारे पास एक टू वेज है इन चीजों को प्रिंट करवाने के। एक है नंबर्स के थ्रू। ओके, नंबर्स आप याद नहीं रख सकते बेसिकली। ओके, तो एंटिटी का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दिल बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, सिर्फ एंड और फिर आप लिखेंगे हर्ट्स और फिर सेमी कॉलम्स। तो वही यूज मैंने यहाँ पे किया, और फिर मैं इससे क्या कर लूंगा, पी टैग को क्लोज, कंट्रोल एस, और इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं। और यहाँ पे इस फाइल को ओपन किया और ये देखिए दिल बना हुआ आ गया। अगर आप इस दिल को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप पी टैग को क्या दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। कलर मैं यहाँ पे लिखूंगा रेड, और रिफ्रेश, और देखिए दिल का कलर हो गया रेड। तो इस तरह से आप इनलाइन सीएसएस की मदद से इस हार्ट को डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो ये था बेसिक तरीका HTML की मदद से सिंबल्स या फिर आइकन्स को क्रिएट करने का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HTML का यूज ना करें, बिकॉज आजकल हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड करवाती हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स, उनमें से एक है गूगल। तो मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनका यूज कैसे कर सकते हैं इन आइकन्स का। तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे आप यूज कर सकते हैं गूगल आइकन्स का यूज। ओके, मैं आपको HTML यूज करने से इसलिए रोक रहा हूँ बिकॉज इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, बाकी जो कंपनीज हैं जैसे कि गूगल हो गई या फिर फंट ऑसम हो गई, ये सारे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी में डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन आप HTML आइकन्स और सिंबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस HTML सिंबल्स और आइकन्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सीखना कैसे गूगल आइकन्स का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें एक लिंक चाहिए। ओके, उस लिंक को हम प्रोवाइड करवाएंगे हमारे हेड सेक्शन में। ओके, अब उस लिंक से होगा क्या, बेसिकली जब हम उस लिंक को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे और बेसिक कोड यहाँ पे लिखेंगे, ओके, तो होगा क्या कि सारे के सारे जितने भी आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं वो सारे इस लिंक के अंदर होंगे। ओके, और जब आप एक पर्टिकुलर कोड लिखेंगे, अगर आपको दिल शो करवाना है, ओके, और आपने यहाँ पे कोड लिख दिया दिल के लिए कि आप एक हार्ट बना के हमें दे दो हमारे वेब पेज में, तो बेसिकली होगा क्या उससे कि ये कोड चेक करेगा इस फाइल के अंदर सारे के सारे कोड को, और अगर इस कोड के लिए उसे डाटा मिल गया इस फाइल के अंदर, इस लिंक के अंदर, तो वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा हमारे पास दिल। तो जब आप करेंगे इस चीज़ को तब आपको समझ आएगी अच्छे से। तो सबसे पहले हमें लिंक प्रोवाइड करवानी है, तो ये लिंक हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे हमारे वेब पेज पे। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वेबसाइट की लिंक दूंगा मैं। ओके, इस टैग की लिंक नहीं दूंगा मैं आपको, बिकॉज हो सकता है कि इन फ्यूचर ये अपडेट हो जाए तो उसके बाद वो लिंक आपके किसी काम की नहीं रहेगी, तो मैं सीधे वेबसाइट की लिंक दूंगा। ओके, और इसे हम हेड सेक्शन में पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, पेस्ट कर लिया, अब हमें कोड देना पड़ेगा आइकन के लिए। कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज हमने बॉडी में कुछ नहीं डाला हुआ है। तो अब यहाँ पे मटेरियलाइज में जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम दिल बनाना चाहते थे ना, तो दिल के लिए यहाँ पे क्या है, ये रहा दिल। ओके, तो दिल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये देखिए क्लिक करते यहाँ पे कोड आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये रहा पेज, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस कोड को।
कंट्रोल एस और रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट बनके आ चुका है मेरे पास। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को हर बार क्या यहीं पे जाके क्लिक करना पड़ेगा हर आइकन में और फिर कॉपी करूँ मैं कोड, तो इसका आंसर है नहीं। आपको सिर्फ नेम पता होने चाहिए इनके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि ये टिक मार्क बनाना, तो आपको इस पता है इसका नाम है डन। ओके, तो आप क्या करेंगे, फेवरेट की जगह लिख देंगे डन। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्लास बिल्कुल सेम रहेगी, आई टैग बिल्कुल सेम रहेगा, हमने सिर्फ डन लिखा और देखिए रिफ्रेश किया और ये देखिए टिक मार्क आ गया। ओके, अगर मैं कोई फेस बनाना चाहता हूँ तो फेस लिखूंगा और रिफ्रेश और देखिए फेस आ गया। ओके, मेक श्योर कि आप वही लेटर या वर्ड लिखें जो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप हर कुछ लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया और रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं आया बिकॉज इस लिंक के अंदर इस वर्ड के लिए कोई डाटा नहीं है। तो मेक श्योर कि आप सही वर्ड यहाँ पे यूज करें। तो मैं यहाँ पे फेवरेट ही रखता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ सीएसएस की मदद से आप कैसे इसे डिजाइन कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इनलाइन सीएसएस देंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया और इसे कलर दे देंगे हम रेड। ओके, बिकॉज लाल रंग का जो है हार्ट होता है, और इसे अगर बड़ा करना है तो हम दे देंगे फॉन्ट साइज और इसे 200 पिक्सल दे दूंगा। कंट्रोल एस और रिफ्रेश और देखिए दिल बड़ा हो गया। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं गूगल फंड्स का, सॉरी गूगल आइकन्स का। ओके, गूगल फंड्स भी है हमारे पास, आप चाहें तो उनका यूज भी कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया उनके बारे में। तो अब ये चीज आपको पता लग गई किस तरह से आप गूगल आइकन्स का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फंट ऑसम आइकन्स का यूज आप कैसे करते हैं। तो ये भी सेम है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसके बाद आपको कोड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे इसकी लिंक ये रही, वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं ये लिंक, बिकॉज ये लिंक्स जो हैं अपडेट होती रहती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई पुरानी चीज मिले। तो आप खुद वेबसाइट में जाइएगा और कॉपी कर लीजिएगा लेटेस्ट लिंक्स। तो लिंक दे दी, यहाँ पे पेज में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कुछ नहीं है बिकॉज अभी हमने बॉडी के अंदर कुछ डाला ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे क्या क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोरा का आइकन है हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल, तो इसमें क्लिक करता हूँ मैं। अब इसका कोड नहीं पता मेरे को कैसा है, हाँ फा फा होता है इसका। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूंगा और ये रिफ्रेश और ये देखिए क्वारा का जो आइकन है यहाँ पे बन गया। और स्टाइल की मदद से, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ। तो रेड कलर दूंगा मैं इसका, बिकॉज क्वारा का रेड जैसा ही होता है थोड़ा बहुत। ओके, और फिर फंट साइज भी दे देते हैं इसको, फंट साइज 200 पिक्सल और रिफ्रेश और ये देखिए साइन बन गया। अगर मैं चाहता हूँ कुछ और यहाँ पे यूज करूँ, तो आपको इस बार अगर आप फंट ऑसम का यूज कर रहे हैं तो आपको क्लास में जाके एडिट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो क्लास में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्वारा दिख रहा है, क्वारा की जगह कुछ और यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेल। ओके, बेल यूज कर लेते हैं, एक बेल जैसी बन के आ जाएगी, जैसे आपको नोटिफिकेशन बेल दिखाई देती है ना यूट्यूब पे या फिर ट्विटर में वैसी। रिफ्रेश और ये देखिए बेल बन के आ गई, बेल का कलर येलो में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी लगे ये। ओके, और रिफ्रेश और ये बेल येलो कलर की हो गई है। सीएसएस की मदद से आप इन हर चीज को बॉर्डर वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, बहुत इजी है। ओके, तो इस तरह से हम यूज करते हैं आइकन्स का। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सारी की सारी लिंक्स आपको अवेलेबल होंगी डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको डायरेक्टली ये कोड की लिंक, सॉरी ये कोड नहीं दूंगा बिकॉज हो सकता है इन फ्यूचर ये अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.70 है यहाँ पे, हो सकता है कि आपके टाइम अगर आप अभी देख रहे हो तो क्या पता अभी 5.6 चला हो, कुछ चला हो, तो इसलिए मैं आपको सिंपली वेबसाइट की लिंक दूंगा इनकी, वहां पे जाके आप लेटेस्ट चीजें देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।